जहां से संजीवनी बूटी लाए थे पवन पुत्र हनुमान, आज भी उस गांव के लोग क्यों हनुमान जी से हैं नाराज, आइए पढ़ते हैं ये कथा। कहा जाता है कि जहां से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे वो गांव देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद है। इस गांव का नाम द्रोणगिरी है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग आज भी पवन पुत्र हनुमान जी से नाराज हैं, जिस वजह से हनुमान जी की यहाँ पूजा नहीं होती है। रामायण में श्री राम जी की तरह उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी परम शक्तिशाली थे, उन्हें भी जीत पाना लगभग असंभव था। लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार माने जाते हैं, लेकिन रावण से युद्ध के दौरान एक ऐसा भी समय आया जब लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाद के दिव्य शस्त्र द्वारा घायल हो जाते हैं और उन पर मृत्यु के बादल मंडराने लगते हैं। मूर्छित पड़े अपने भाई को देखकर राम बड़े व्याकुल हो जाते हैं। तब ऐसे में सुषेद वेद को बुलाया जाता है, जो लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहते हैं। हनुमान जी इस कार्य को करने का बीड़ा उठाते हैं। कहा जाता है कि जहाँ से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे वो गांव देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद है। इस गांव का नाम द्रोणगिरी है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग आज भी हनुमान जी से नाराज हैं, जिस वजह से हनुमान जी की यहाँ पूजा नहीं होती है। चमोली क्षेत्र में आने वाले द्रोणगिरी गांव के लोगों में मान्यता है कि लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी जिस पर्वत को उठाकर ले गए थे वह यही स्थित था। माना जाता है कि लोग इस पर्वत की पूजा करते थे। गांव वालों की मान्यता है कि जिस वक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए तब पहाड़ देवता ध्यान मुद्रा में थे। हनुमान जी ने पहाड़ देवता की अनुमति नहीं ली और ना ही उनकी साधना पूरी होने का इंतजार किया, इसलिए यहाँ के लोग हनुमान जी से नाराज हो गए। स्थानीय लोगों में ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी को एक वृद्ध महिला ने इस पर्वत का एक हिस्सा दिखाया था जहाँ संजीवनी बूटी उगती है, लेकिन हनुमान जी उस बूटी को पहचान नहीं पाए, जिस कारण वे पर्वत को उठाकर ले गए। वैसे इस गांव में लोगों को श्री राम से कोई नाराजगी नहीं है, जिस कारण लोग भगवान राम की पूजा तो करते हैं लेकिन हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं।